स्वामी मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको मेरा प्रणाम पेश करता हूं। आप सबके लिए वो ताज्जुब की बात होगी कि डबल डॉक्टरेट के बाद और पूरे भारत वर्ष के एजुकेशन में और विदेश में भी शिक्षा के तौर पे बहुत अच्छा सा कंट्रीब्यूशन करने वाले स्वामी श्री सत्यवेदांत जी ऐसे व्यक्तित्व हैं कि जो बहु आयामी अनुभवों के धनी है। हमें आज उनसे ये संवाद या दीर्घ वार्तालाप में जानना है कि उनका जीवन कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है। हम वो भी जानना चाहेंगे कि ओशो के बारे में, ओशो के साथ कई दिन रहने के बाद उनके विचार और ओशो जी की फिलोसॉफी को वो किस तरह से अपना मूल्यांकन दे रहे हैं। ये सभी प्रश्नों के साथ हम स्वामी सत्यवेदांत के साथ आज वार्तालाप शुरू कर रहे हैं। स्वामी श्री, मैं आपसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आपका जो जीवन है वो कैसे, कहाँ से, कौन से मोड पे आगे चला और आप ओशो के पास कहाँ तक पहुँचे। सर्वप्रथम तो बद्रेव सर, मैं परम सदगुरु सिद्ध ओशो को के चरणों में प्रणाम करता हूँ और आपके प्रति मैं अनुग्रहित हूँ कि आपने ये मौका मुझे दिया है कि मैं सदगुरु ओशो के विषय में कुछ अपनी बात व्यक्त कर सकूँ।